गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है देवी तारा की पूजा। जानिए कहां करती है वास, क्या है महत्व। माँ तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। तंत्र विद्या के साधक देवी तारा की पूजा करते हैं। सैन वंश के राजा को सबसे पहले देवी तारा के दर्शन हुए थे। उन्होंने देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि स्वर्ग की देवी तारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निवास करती है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। यह मंदिर शिमला के शौगी इलाके में एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। माँ तारा देवी मंदिर शिमला से लगभग 18 किलोमीटर दूर शौगी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 855 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ दुनिया भर से लोग माँ तारा के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में माँ तारा साक्षात विराजमान है और माँ भक्तों की भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। माँ तारा देवी मंदिर का इतिहास लगभग 50 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक प्रचलित कथा भी है कि एक बार बंगाल के सैन वंश के राजा शिमला आए और जंगल में शिकार करने गए। तभी घने जंगल से माता ने आवाज लगाई कि हे राजा, तेरी वंश परंपरा बंगाल से चली आ रही है, मैं 10 महाविद्याओं में से एक हूँ। माँ की आवाज सुनकर राजा ने माँ तारा को अपने सामने प्रकट होने के लिए कहा। राजा के अनुरोध पर माता उनके सामने प्रकट हुई और कहा कि आप मेरे स्थान का निर्माण करें। राजा ने जैसी ही माता की बात सुनी तो उन्होंने माता के स्थान के निर्माण और सुरक्षा के लिए 500 बीघे जमीन दान दे दी और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। देवी तारा के दिए दर्शन राजा सेन द्वारा मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वैश्व परंपराओं के अनुसार लकड़ी की माँ तारा की मूर्ति स्थापित की गई। कुछ समय बाद राजा भूपेंद्र सेन ने वंशज बलवीर सेन को भी सपने में देवी तारा के दर्शन हुए। इसके बाद बलवीर सेन ने मंदिर में अष्ट धातु से बनी माँ तारा देवी की मूर्ति स्थापित की और मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया।